क्या करूँ था मेरे पास ऑक्सीस्टेट फाइंड आउट करनी थी मुझे, जैसे मेरे पास मैंने बोरोन की फाइंड आउट करनी थी ब्रोमीन की, वो ब्रोमीन है उसको करेक्ट करो ब्रोमीन है ना, क्योंकि उसमें दे रखा था मेरे पास क्या ब्रोमीन ऑफ ट्राई ब्रोमो मेरे पास कॉप्टा ऑक्साइड, और फॉर्मूला भी दे रखा था बी आर थ्री ओ एट दे रखा था, क्या दे रखा था मेरे पास क्या बी आर थ्री ओ एट, तो अगर अपन देखें पहला हमारे पास क्या जाएगा बी आर थ्री ओ एट, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ मेरे पास, उसको हम बोलते हैं मेरे पास क्या ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, क्या बोलते हैं मेरे पास क्या ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो बात करें ऑक्टा ऑक्साइड की बात करें, मैं किसकी बात करें बेटा बात करें ऑक्टा ऑक्साइड है ना, ऑक्टा ऑक्साइड तो ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में अगर बात करें फाइंड आउट करना तो किसकी फाइंड आउट करना है ब्रोमीन की फाइंड आउट करना है, किसकी फाइंड आउट करना है ब्रोमीन की, ब्रोमीन से क्या तो कंप्लीट करो, तो अगर अपन देखना चाहें तो किसके ब्रोमीन की, अगर ऐसे हमने निकाले तो एवरेज ऑक्सीस्टेट आएगी, क्या आएगी एवरेज, एवरेज ऑक्सीस्टेट में जो अपन बात करें जनरल मैंने वैसे तुमको बताया था कि इसमें कोई चार्ज नहीं, तो अपन क्या मान के चले जब इसका चार्ज क्या बेटे नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो का मतलब क्या बात करें इसमें जो जितना पॉजिटिव होता है क्या बेटा बात करें नेगेटिव, जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अगर ऐसे निकालते तो ऐसे कितना नीचे बेटा बात करें दो मीटर, फिर वन ऑक्सीजन का माइनस टू, तो बेटे बात करें थ्री स्टेट का कितना आएगा जैसे बोलो माइनस का सिक्सटीन, अगर माइनस का सिक्सटीन बोले बात करें तो प्लस का कितना होगा सिक्सटीन होगा, ये बस समझ में, अब प्लस का 16 आपको कहाँ से मिलेगा, अगर ऑप्शन से माइनस का 16 मिल चुका तो मुझे बता देखिए तीनों ब्रोमीन की जगह क्या देंगे प्लस का 16 तो देना ही पड़ेगा, अभी तो नेट कितना हो पाएगा बेटा बात करें जीरो हो पाएगा, क्या हो पाएगा जीरो हो पाएगा, अगर अपन देखें मुझे बात करें कि तीन ब्रोमीन बेटा बात करें अगर कितना देगा प्लस का 16 देगा तो बल्ब कितना देगा 16/3 देगा, अगर अपन टोटल निकालें बेटा बात करें तो कितना आ जाएगा 5.3 समथिंग आ जाएगा, लेकिन आपको पता है बात करें ऑक्सीस्टेट कोई फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती, ऑक्सीस्टेट कहाँ से आती है इलेक्ट्रॉन के एक्शन से आती है, अगर अपन देखते हैं बेटा बात करें कि ऑक्सीजन को माइनस है मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बात समझ में आ रहा है, ब्रोमीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा 1 देगा 2 देगा 3 देगा 10 देगा 100 देगा 2 देगा 1000 देगा, लेकिन आपको इसका मतलब ये पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी किसके फॉर्म में जाएंगे होल नंबर में, फ्रैक्शन में तो नहीं जा सकते ना, तभी उसके बाद क्या बोले आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं देते, कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे अगर ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर करना है तो हमेशा किसमें करें उन पर बात करें इलेक्ट्रॉन की होल नंबर के जैसे बोलो इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर मतलब जानते हो इंटीजर मतलब है बुरे बात करें कंप्लीट बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन का एन टाइम्स करो दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन, ये अपने कहाँ पढ़ा उसमें बात करें चार्ज ऑफ क्वांटम इशू पढ़ा था याद है, कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट से बेटा बात करें मुझे अगर बी ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज ट्रांसफर करना है तो मैं बात करें इलेक्ट्रॉन के होल नंबर में करूँ किसमें करूँगा बेटा होल नंबर मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन करेंगे या तो एनी इलेक्ट्रॉन करेंगे, तभी उसके बाद करें बोल सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हो पाएगा, क्यों बराबर अपने क्या पढ़ता है याद है एनी बराबर, मतलब मिनिमम पूरे बात करें अगर अपने एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक चार्ज ट्रांसफर करना तो कितना करेंगे उसके बाद करें इलेक्ट्रॉन के इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म मतलब क्या पूरे बात करें पूर्ण गुणज में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी ये तो हो ही नहीं सकता ना 5.3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर अपने ये मानते हैं कि इनकी 16 है तो ये तो अच्छा लग रहा है कि हाँ 8 ऑप्शन में उसके बाद मेरा 16 इलेक्ट्रॉन दिया है, तभी जाकर इनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है -16 का, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा बात करें -1 अगर मानते हैं तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन गए होंगे इनके पास तो इनके ऊपर कितने आ गए 16 बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 ऑप्शन के ऊपर अगर पूरे बात करें ये बोलते हैं कि -16 चार्ज है इसका मतलब 1 ऑप्शन पूरे बात करें 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अरे 16 पूरे बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसके ऊपर 8 ऑप्शन के ऊपर, तो अपन ये मानते हैं बेटा बात करेंगे 8 के ऊपर 16 तो इसका मतलब 1 के ऊपर कितना आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो अपन बेटा बात करें हमेशा ऑक्सीजन को क्या पढ़ते हैं -2 पढ़ते हैं ऑक्साइड पढ़ते ही पढ़ते, यहाँ पे तीन बेटा बात करें ब्रोमीन इनको दे रहे क्यों, क्योंकि अगर ये लेने वाला तो ये देने वाला, और आपको अच्छे से पता होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें किसी भी कंपाउंड में आगे का क्या होता है मुझे कैटायन और पीछे का जो मुझे बात एलिमेंट होता है मुझे और एन आई कैटायन एन आई से कोई भी कंपाउंड बना होता है, इनमें 16 इलेक्ट्रॉन लिए तो इन तीनों को 16 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या आएगा माइनस, जैसे हमने कहा कि अगर बेटा ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ए के ऊपर क्या आएगा प्लस, और बी ले रहा है तो बी के ऊपर क्या आएगा माइनस, अगर ये एन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा एन प्लस, ये एन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या आएगा एन माइनस, ये बात समझ पा रहे इसका मतलब क्या है बात करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस 16 आएगा तीन ऊपर एक ऊपर कितना आएगा 16/3, जैसे ही बात कर रहा है आपको समझ जाना चाहिए था ये ऑप्शन सिर्फ सही नहीं है, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, और आपको किसकी बतानी होगी हमेशा एक एलिमेंट की बतानी होगी, याद है अपन बेटा बात करें K2Cr2O7 में निकाला था पोटेशियम डाइक्रोमेटिक ब्रोमीन का दो ब्रोमीन का क्लस्टर बाहर, तो अपन ने कहा था हमेशा एक का बताना है, वन का कितना है था प्लस 6 लिखा था अपन, तो जैसे बेटा बात करें ये
हमारे पास क्या 60/3 आया था, 5.33 आया था। आप तो समझ जाते हैं कि ये पूरे मार्केट एवरेज है, क्या पूरे मार्केट ये एवरेज ऑक्सीजन है, एवरेज तो हो जाएगा नीचे लेकिन हमें तो पूरे मार्केट प्योर ऑक्सीजन बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है? प्योर। अब वो कैसे बता सकते हैं? जो उनकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपकी एनसीआर के बहुत प्यार से बना रखा है ग्रुप में, ब्रोमीन पूरे मार्केट है, समझ पा रहे हैं? सेकेंड बेटा बात करें ब्रोमीन और फिर ब्रोमीन, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर है। अगर मैं देखें मेरा तीन ब्रोमी थे, ब्रोमी ब्रोमी तो मैंने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, फिर बेटा बात करें ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन को जोड़ना स्टार्ट करो, वन ऑक्सीजन बेटा बात करें, टू ऑक्सीजन और थ्री ऑक्सीजन, ये बैलेंस ही है। मैंने उनके बात करें ऑक्सीजन कितने, मतलब ब्रोमी की अगर बात करें हाइड्रोजन फैमिली का कितने बॉन्ड बना सकता है आपको पता है? ऑक्टेट का एलएच कर सकते हैं, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन बेटा बात की हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली में बेटा बात करें हमारे पास और तो मुश्किल है, उन्होंने मतलब बैलेंस रिंग में वो सेवन, इसका मतलब वो सात बॉन्ड तक बना सकता है, बना सकता है ना। तो पूरे बात कर रहे हैं इस ब्रोमिन कितने बॉन्ड बने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको पता होगा। ऐसे ही ब्रोमिन भी कितने बनेंगे बेटा बात करें, 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ते हैं ये 2 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए, 7 बॉन्ड, रिमेनिंग ऑक्सीजन को पूरे कहां जोड़ते हैं बेटा बात करें, यहां पे, ठीक है यहां पे। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, यहां पे तीन ऑक्सीजन क्यों जोड़ रहे, तीन ऑक्सीजन है वो तीन आप जोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि टोटल अगर मैं तीन ऑक्सीजन जोड़ दूंगा सोचो जरा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक और ऑक्सीजन को अगर आप यहां से हटा के आप यहां जोड़ दो, इसके इलेक्ट्रॉन के टोटल बॉन्ड कितने हो बेटा, 2 4 6 7 8, ये भी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, फ्लोरीन फैमिली का है ना लिखा था मैंने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, तो फ्लोरीन का क्या होता है 2s2b5, क्लोरीन का क्या होगा 3s3b5, तो ब्रोमीन का क्या होगा 4s4b5, समझ पा रही है? इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन है, अपन बात करेंगे बेसिक से, लेकिन अभी इनका जो पेपर है जो क्वेश्चंस ये कर चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब देखने की कोशिश करो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन 8 बेटा बात के बना दिए आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया, बस समझ पा। तो कंडीशन बेटा बात करें इसलिए इसका देखो ब्रोमीन का एक ही बॉन्ड होता है, इसलिए अपने यहां पे क्या कर पाए तीन तीन बेटा बात करें आप ऑक्सीजन को जोड़ पाए, ठीक समझ पा, ये कंडीशन होगी। या आप चाहते हैं क्वाड्रेट बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें हाइड्रोजन में जो सात इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह देख दी एक बॉन्ड आपने बना चुके थे इसके साथ ऑक्टेट पूरा बॉन्ड बचे हुए थे क्या तीन हमारे पास क्या लौट गया तो तीन लौट कर एक ऑक्सीजन को बदल दे तो क्या बन जाता है क्वाड्रेट बॉन्ड बन जाता नहीं बनता क्या? तो ये तरीके बात करें कंडीशन। अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे हर एक ब्रोमीन का चार्ज क्या निकल गया, स्ट्रक्चर सही है गलत, स्ट्रक्चर सही है गलत बोले एकदम सही पे बात कर। अच्छा देखने की कोशिश किया आपको पता होता बेटा बात करें अगर मैं पेरियोडिक टेबल में कहाँ जा रहा हूँ लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती है और आपको पता है जो राइट वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है मोर इलेक्ट्रॉन अरे क्या होता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या होता है बेटा बात की जो ज्यादा पावर जो इलेक्ट्रॉन की दीदी बात करें खींचने की ज्यादा क्षमता होता है लेफ्ट वाला क्या होता है बेटा बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब पूरे बात करें इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है अगर लेफ्ट और राइट एक पेरिटिव में दो एलिमेंट मिल जाए तो हमेशा याद रखना बेटा बात करें राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो लेफ्ट वाले ऊपर क्या आएगा बोलो बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज आएगा लेफ्ट वाले ऊपर क्या आएगा बोलो बोलिए बोलो पॉजिटिव चार्ज आएगा और राइट वाले ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा कौन सी बात देखना है अगर अपन देखें मतलब ऑक्सीजन ब्रोमीन में पूरे बात करें आगे कौन जा रहा है ऑक्सीजन और ब्रोमीन में देखें तो ब्रोमीन आगे लेकिन आपको ये पता है कि ब्रोमीन नीचे भी चला जाए अगर अपन देखें ऑक्सीजन ये फ्लोरीन बेटा और ये क्या बात करें ब्रोमीन ठीक है लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिविटी बढ़ती है एकदम सही है लेकिन टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रोनिविटी क्या होती है कम भी तो होती है अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे बात करें क्या होगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी क्या होगी मेरे बात करें डिक्रीज होगी मतलब टॉप वाले एलिमेंट क्या होता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होगा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव और बेटा बात करें बॉटम वाला क्या होगा लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव ये बात समझ में आती है इसका मतलब पूरे बात पे देखा जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात होती तो फ्लोरीन क्या होता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव बात समझ पा लेकिन आपको पता है बेटा बात फ्लोरीन नीचे कौन है ब्रोमीन फ्लोरीन पे बात करें ब्रोमीन से नीचे है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव मतलब अगर देखा जाए मैं तीन ऑक्सीजन की बात करूँ तीन एटम की बात करूँ ऑक्सीजन फ्लोरीन ब्रोमीन तो आपको पता है लेफ्ट राइट चलने पर इलेक्ट्रोनिविटी क्या होती बढ़ती है मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता अब फ्लोरीन ब्रोमीन होता तो बेटा बात करें फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता फ्लोरीन क्या करता ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन ले लेता लेकिन यहाँ पे बात किसकी पूरे बात करें ऑक्सीजन और ब्रोमीन की तो आपको पता है बेटा बात करें कि टॉप टू बॉटम चलने पर माना की पूरे बात करें ब्रोमीन ऑक्सीजन के नीचे नहीं है पर है तो नीचे ना बेटा बात क्योंकि सेकंड पीरियड का ही थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे थर्ड पीरियड से क्या होंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होंगे ये बात समझ पा रहे लेकिन ये बात कहाँ तक चलती है एक दो ग्रुप तक चलती है और मैंने वैसे भी आपको लिखा है इसलिए छोटी छोटी बात लिखना जरूरी है
कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर मैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का किसका लेवल बात करें, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के ऑर्डर की बात करूँ, विद्युत ऋणात्मकता के ऑर्डर की बात, तो आपसे कहा था पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन, फ्लोरीन, देन कौन है बेटा ऑक्सीजन, देन कौन है बेटा बात करते हैं देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कौन है बेटू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, देन कौन है बेटा बात करते हैं नाइट्रोजन, वो जितना नाइट्रोजन उतना ही कौन है क्लोरीन, बस समझना आपसे ये चार पांच एलिमेंट रहे थे इनको दिन हमेशा याद रखो, ये सबसे ज्यादा क्या बेटा बात करते नेगेटिव, क्या जल्दी बोलो नेगेटिव, ये नेगेटिव एलिमेंट आपको देखना पड़ेगा, देख पाओगे नहीं देख पाओगे आराम से देख लो, अगर आपने यहाँ पे देखा तो इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ज्यादा नेगेटिव हो गया तो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींच लेगा, आप यहाँ पे देखो जब एक बॉन्ड बनता है, इतना तो पता है आप लोगों को, जब एक बॉन्ड बनता है बेटा दो एटम के बीच में, तो पूरे बात करें जो बॉन्ड जो बना है इसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बी ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ये बात तो समझ में आती है ना, पढ़ चुके हैं जब भी दो एटम के बीच में बात करें दो एटम के बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बने तो उसमें दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरा बॉन्ड बनेगा एक ये देगा एक ये देगा बी देगा, तीसरा बॉन्ड बनेगा एक ये देगा एक बी देगा, हमेशा कभी भी एटम के बीच में बॉन्ड बन गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड में शेयर करना पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, अच्छा अगर देखा जाए मतलब इस बॉन्ड में देखें ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन दूसरा भी ब्रोमीन दिया, क्या कोई इसका इलेक्ट्रॉन ले जा पाएगा, नहीं ले जा, क्यों, क्योंकि दोनों ब्रोमीन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर है, फिर इस ब्रोमीन में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस ब्रोमीन के साथ, क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या ये ले जाएगा, नहीं, क्योंकि दोनों बराबर पावरफुल है, कोई भी किसी का नहीं ले जाएगा, कौन किसका ले जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले जाता है, पर यहाँ पे देखो भैया बात कर रहे हैं ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ज्यादा नेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे, तो कौन किसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन, कौन ले जाएगा ऑक्सीजन ले जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या होता जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ब्रोमीन पे क्या होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, छोटी सी बात होती पूरी केमिस्ट्री में बात करें, तो अगर इस ब्रोमीन को देखो इस ब्रोमीन इस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो बॉन्ड बनाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया, लेकिन पावरफुल कौन है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अगर दोनों बॉन्ड अगर ले जाएगा तो मतलब ब्रोमीन के कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा बेटा दो इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस टू और ब्रोमीन के ऊपर कितना है प्लस टू, प्लस टू, ये बात समझ में कोई दिक्कत है, फैसी पूरे बात करें तो इस ब्रोमीन ने इस ऑक्सीजन के साथ फिर दो बॉन्ड बनाए, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बेटा हर एक बॉन्ड का दिया, एक ब्रोमीन है तो एक ऑक्सीजन, एक ब्रोमीन तो एक ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ब्रोमीन का, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस टू, ब्रोमीन के ऊपर अगेन कितना के बेटा बात करें प्लस टू, ये बात समझ पा रहे, इस ब्रोमीन इस ऑक्सीजन पूरे बात करें आपस में फिर दो बॉन्ड बनाए, एक ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, दो बॉन्ड बने, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर दोनों बॉन्ड को बेटा अगर ले जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा माइनस टू और ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा प्लस टू, लेकिन इतना मुझे बताओ कि इस ब्रोमीन की कितने इलेक्ट्रॉन चले छह छह इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब मेरे बात इस ब्रोमीन का क्या चार्ज है प्लस, ये जो पहला ब्रोमीन है इसका चार्ज है मेरे बात करें प्लस, बस समझ पा नहीं समझ पा, तो ये वाली कंडीशन पे बात करें, दूसरे जगह देखो अगर अपन देखना चाहें इस ब्रोमीन ने जब ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया तो कोई किसके इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन इस ब्रोमीन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, हर बॉन्ड में एक ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का, पर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले गया दो इलेक्ट्रॉन, अब ये बिल्कुल मत सोचो बुढ़िया कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अगर बी पूरा बॉन्ड ले जाए माना बी पूरा बॉन्ड लेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको दो मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा बॉन्ड, अगर पूरा बॉन्ड ये ले जाए क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अगर पूरे बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसको दो इलेक्ट्रॉन पूरे बाद के मिलेंगे डेफिनेटली, पर फायदा कितने का होगा, फायदा तो एक ही होगा क्योंकि एक तो आपका ही एक ही का तो फायदा होगा जो दूसरे का ले गए, ये बात समझ में आ रही नहीं आती, वो अपने गाड़ी खरीदते थे हाया कुछ दो लोग मिलकर एक लाख की खरीदे थे यार, पर एक इंसान छीन लेता था तो फायदा कितने का होगा दूसरे को, सोचो जैसे आपने और आपने दो लाख रुपये की गाड़ी खरीदी एक एक लाख मिला करके, लेकिन एक आप ज्यादा पावरफुल हो आपने पूरी गाड़ी पिन से छीन तो फायदा कितने का होगा, एक का दो का, अरे गाड़ी दो लाख की थी ना तो फायदा दो का ही हुआ नहीं, क्योंकि एक दो का ही था जो आपके रूप में मिले फायदा उतने का ही हुआ कि नहीं हुआ, ये बात बेटा बात करें कंडीशन से, तो अगर अपन देखें पूरा बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा माइनस टू, पर ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा प्लस टू, प्लस अरे आएगा तो उसकी ऐसे बेटा बात करें इन दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ले जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा माइनस टू और बेटा ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा प्लस टू, जल्दी बोलो कितना आ रहा है प्लस टू, इस ऑक्सीजन को ब्रोमीन के ऊपर नेट चार्ज कितना आया प्लस फोर, पहले ब्रोमीन का प्लस सिक्स सेकंड ब्रोमीन का कितना बेटा बात करें प्लस का फोर आया, ऐसे ही कहानी बेटे बस से मतलब अगर आप देखें बेटे बात करें इस ब्रोमीन के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले जाए अरे ले जाए ही ले जाए इसके ऊपर क्या आएगा माइनस टू, ब्रोमीन के ऊपर क्या आ गया प्लस टू, प्लस टू आगे बेटे बात करें
दूसरी कंडीशन ऐसी प्रूव करके ये ब्रोमीन की दो इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन ले जाए ऑक्सीजन को माइनस टू ब्रोमीन को फिर से क्या आ गया प्लस ऐसे बेटे बात कर ये वाला ऑक्सीजन इस ब्रोमीन की दो इलेक्ट्रॉन को ले जाए तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस टू इस ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा प्लस टू नेट कितना हो गया बेटे बात कर प्लस ये बेटे बात कर सक्सेस हो गया लेफ्ट से राइट भी पूछ सकता है आपसे बेटे बात कर फाइंड आउट ऑक्सी स्टेट ऑफ बेटे बात कर क्या ऑल ब्रोमीन फ्रॉम बेटे बात कर लेफ्ट टू राइट लेफ्ट से राइट जब बनोगे तो ये फिगर आएगा ना मतलब पहले ब्रोमीन का क्या आएगा प्लस सिक्स सेकंड का क्या आएगा प्लस फोर थर्ड का क्या आएगा प्लस सिक्स अब ये वाली कंडीशन तुम्हें इसमें दिख रहा है मतलब जब बेटा बात कर देखो आठ ऑक्सीजन है कितने इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन है और लेता भी ऑक्सीजन टू क्यों क्योंकि ऑक्सीजन क्या होगा पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा बात करें सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन कैटेगरी नंबर कितना होता है एट मतलब हम भरते हैं बेटा बात करें फर्स्ट पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन सेकंड एस टू और टू पी फोर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन सिक्स आपसे क्या करना कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे एट इलेक्ट्रॉन तो बेटा इसके आउटर मोस्ट में सिक्स थे इसको कितने की जरूरत थी दो की इसलिए हर एक ऑप्शन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है दो इलेक्ट्रॉन और दिख भी रहा है आपको ऑप्शन माइनस टू 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 हर एक ऑप्शन का माइनस टू टोटल कितना हो गया माइनस सिक्सटीन टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन माइनस का सिक्सटीन चार्ज आएगा यहाँ भी देखो प्लस सिक्सटीन आ गया प्लस सिक्स फोर टेन और बेटा बात सिक्स सिक्सटी मतलब इनके बेटे बात के जितने इलेक्ट्रॉन दिए ऑप्शन को उतने ऑप्शन को इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से ब्रोमीन से ही तो ब्रोमीन अगर ऑप्शन का माइनस सिक्सटीन है तो ब्रोमीन का प्लस सिक्सटीन लेकिन यहाँ पे क्या तीनों ब्रोमीन ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दिए नहीं दिए तीनों ने बराबर बराबर नहीं दिए जो फिर बात करें हमारे पास फॉरन बार है ब्रोमीन है और ने कितने दिए छः छः इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए क्या है इनको का प्लस सिक्स प्लस सिक्स अब ये प्लस का मतलब समझ गया जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आता है प्लस और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है माइनस ऐसा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है निगेटिव तो अगर सोचो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दीदी को दे रहा हूँ तो मेरे ऊपर क्या आएगा प्लस वन और इनके ऊपर क्या आएगा माइनस वन क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव लेगा उसके ऊपर माइनस आएगा जो नेगेटिव बढ़ाएगा उसके ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा तो ये पहले कुछ ऑप्शन से चेंज क्या ये सही है आप लोगों मोस्ट लोग पूरे बात करें दिक्कत आपको आई होगी क्यों क्योंकि आपने पूरे बात करें इंसाइड नहीं पढ़ी ये क्वेश्चन दिए ही इसलिए गए थे क्योंकि अपने ऑप्शन से जब पढ़ते हैं आपको इंसाइड लगातार पढ़ना है पढ़ते ही रहना है ठीक है चलो अगले वाले पॉइंट पर आते हैं सेकेंड क्या देखते थे बेटे बात करें सेकंड पे बात करें ऑप्शन था हमारे पास क्या कार्बन सब ऑक्साइड क्या था कार्बन सब ऑक्साइड आपने कॉपी में इंसाइड में भी देखा इनको उस ग्रुप ने नहीं किया क्यों नहीं किया पूछे पूरे से कि कहाँ से थी सर में क्वेश्चन आपस में थोड़ा डिस्कस किया करो उसको सब पता रहता है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कार्बन सब ऑक्साइड कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें कार्बन सब ऑक्साइड अच्छा एक चीज दिखो दिखो अगर आप बेटा बात एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे ये क्वेश्चन कहाँ से एनसीईआरटी आपके टीचर कुछ भी करा रहे लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है एनसीईआरटी से आ रहा है तो आपको एनसीईआरटी कुछ लगाने पड़ेंगे कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है सी थ्री ओ टू क्या बेटा बात करें सी थ्री ओ टू जरा बनाओ इस पिक्चर को बेटा बात करें तीन कार्बन है तो पहले कार्बन कार्बन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ अब आपको अच्छे से पता होता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है पता है ना जैसे ऑक्सीजन बेटा बात करें कितने बॉन्ड बनाता है दो बॉन्ड बनाता है चाहे सिंगल बॉन्ड चाहे डबल ऐसे कार्बन कितने बनाता है चार बॉन्ड क्यों क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको ऑक्टेट पूरा करना है अरे कार्बन डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार उसको चार और चाहिए तो क्या करता बेटा किसी भी एलिमेंट केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर मेरे पास चार इलेक्ट्रॉन है तो मुझे आठ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करूँगा चार बॉन्ड बनाऊंगा ताकि बॉन्ड बनने में एक तो मेरा और एक जो भी मेरे पास सामने वाला आएगा उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जिसको दो इलेक्ट्रॉन ऐसी फिर बात करें कोई और आ गया आप बोलोगे हमें हाइड्रोजन आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को देगा हाइड्रोजन आता है एक इलेक्ट्रॉन को देगा टोटल कितना होगा आगे देखिए सी एच फोर बन चुका है मिथ है ये आपको याद रखना इसलिए कि कार्बन हमेशा चार बॉन्ड ही बनाता है अब चाहे वो डबल बना लो उससे दो डबल बना लो चाहे कितने बना लो सिंगल सिंगल चार बना लो चाहे एक डबल बना लो एक सिंगल बना लो पर बॉन्ड को कितने बनाएगा कार्बन चार ही बनाएगा इसलिए पूरे बात ये कंडीशन कार्बन की बेटा बात करें आपको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता नहीं पूरे आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फोर इसमें पूरे बात किसके फोर इसके फोर अब इसका एक ही बॉन्ड यूज हुआ एक ही पूरे बात इलेक्ट्रॉन यूज हुआ समझ पा अब बताओ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा बात करें हमेशा ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में पूरे बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिक्स तो उसको दो दिए इसलिए दो बॉन्ड बनाता है बात समझ पा इसलिए अगर देखना चाहें तो अपन एक ऑक्सीजन लेके आए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा सिक्स दो की जरूरत थी एक बॉन्ड दो बॉन्ड दो बॉन्ड बनाते इसके कितने हो गए टू फोर सिक्स एट एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑप्शन आया टू फोर और टू सिक्स दो की जरूरत है कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाएगा कितने हो गए बेटा बात एट हो गए टू फोर सिक्स एट इस कार्बन के अंदर कितने हुए इलेक्ट्रॉन दो चार पाँच और एक छः एक और बॉन्ड बना दिए कितने हो गए आठ
अभी कितने हुए 2, 4, 6, 1, 7, तो ये एक और इसकी सब बनाए कितने हो गए, ये की बात करें कंडीशन, मतलब कार्बन सब ऑक्साइड करके अपन बनाने जाए तो पिक्चर कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसमें देखो एक ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हो गए, एक कार्बन के बेटे देखो दो दो चार बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी दो दो चार बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी दो इस तरफ चार बॉन्ड हो गए, बस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना तो इसके भी आठ इसके भी आठ, हर एक की टेंडेंसी है आठ इलेक्ट्रॉन रखने की, ऑक्सीजन के दो 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 दो, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या बोलते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को ये नाम देते हुए बात करके लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं लोन पेयर, आपने लोन पेयर वर्ड सुना होगा, मोर रिपल्सन होता है ये ऑर्डर हमेशा आता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन किनके बीच में होता है बेटू, लोन पेयर देन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर देन होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, याद है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसका मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन फ्री है, हां इन दो इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन फ्री है लोन पेयर, लेकिन अपन देखने की बात करें इस ऑक्सीजन के पास दो तो हैं लोन पेयर और दो तो हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब एक बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं पेयर, एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन काउंट करो ऑक्सीजन के 2, 4, 6, 8, इसके काउंट करो 2, 4, 6, 8, इसके काउंट करो 2, 4, 6, 8, देखो इस कार्बन के बॉन्ड उन्हीं को मानो जो इससे डायरेक्ट जुड़े हैं, अब इस कार्बन के बॉन्ड कितने हैं, दो इस तरह बनाए दो इस तरह बनाए 2, 4, 6, 8, अब बोलो किस ऑक्सीजन में इस कार्बन के बॉन्ड को काउंट किया और इस कार्बन भी काउंट किया, बिल्कुल करते हैं, ये बॉन्ड जो बेटा बात के जिन दो आइटम के पीछे बनते हैं ना, जब इनके इलेक्ट्रॉन काउंट हो तो ये बॉन्ड इनके मान लो, और जब इनके इलेक्ट्रॉन काउंट हो तो इन बॉन्डों को इनका मान लो, जैसे ये बॉन्ड है उस ऑक्सीजन के भी और कार्बन के, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा मैं इसके मान लूंगा 2, 4, 6, 8, अब इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा तो इन बॉन्ड को इसका भी मान लूंगा 2, 4, 6, 8, सभी का ऑक्टेट क्या है पूरा है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर देखने चाहे तो बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालो जा रहा है, किसका निकालना है कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकलेगा मुझे बात करें, ऑक्सीजन मोर लिक्विडेटिव है कार्बन मोर नेगेटिव है, जल्दी बोलो पूरी बात, ऑक्सीजन भी आपको पता है सेकंड नंबर बैठा है, ऑक्सीजन से नेगेटिव की वजह से एलिमेंट है जिसका नाम है फ्लोरीन और फ्लोरीन ही है, तो पूरी बात करें ऑक्सीजन क्या करेगा, सोचो किस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा, अरे लेगा नहीं लेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन किसके चले जाएंगे कार्बन के, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का चला गया, ऑक्सीजन ऊपर माइनस टू कार्बन ऊपर क्या है प्लस टू, तेरे इस कार्बन को ऑक्सीजन दे, ये कार्बन किससे जुड़ा है इस तरफ भी कार्बन से इस तरफ भी कार्बन से, क्या ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, दोनों बराबर दोनों सेम ही, दोनों की इलेक्ट्रॉन भी क्या है कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन है इसका मतलब क्या सेम एटम है, इसका मतलब दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, मतलब कोई किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, सेम एटम कभी भी किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इस तरफ भी बॉन्ड देखो अपन ने देखा बात करें ये जो बॉन्ड बने कार्बन कार्बन के पीछे बने, दोनों की बात करें बता सेम एटम है दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम, कोई भी किसके इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा पाएगा, ना ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ना ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब ये बॉन्ड भी टूटे ये बॉन्ड भी टूटे, पर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा इस बॉन्ड को ले जाएगा, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया माइनस का इसको बढ़ गया प्लस का, ऐसे ही ऑप्शन है ये बॉन्ड भी ले जाएगा, तो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज क्या है प्लस, ऑक्सीजन ऊपर कितना है माइनस, ये पूरे बात करो इसका चार्ज क्या है जीरो, क्योंकि कोई इसके इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं, दिख रहा है कि दिख रहा है, कार्बन सब ऑक्साइड पूरे अपने क्या देखा कि तीनों का चार्ज मतलब बेटा बात किस तरीके से, इसका क्या है प्लस टू, इसका क्या है जीरो, इसका क्या है प्लस, कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का बताना था बस समझ में, लेकिन अगर आप एवरेज बताते क्या बताते हुए एवरेज, तो एवरेज उनके बाद किस तरीके से टोटल पूरे बात करें कितना है बताओ हमारे पास, नेट में निकालना है तो नेट कितना था बेटा जीरो आता, जीरो कब आता जितना पूरे माइनस होता उतना ही क्या होता प्लस, अभी आता जैसे मैंने देखा एक ऑप्शन का कितना है देखो बेटी बात माइनस टू दो का कितना आएगा माइनस फोर, तो तीन कार्बन का कितना होना चाहिए तीन का प्लस फोर, तो एक का कितना आएगा फोर बाई थ्री, अरे आएगा फोर बाई थ्री तो कुछ होता ही नहीं, फोर बाई थ्री को अगर सॉल्व करें तो कितना है 1.33 यार 1.33 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तुम कितने दे सकते हो, आपने कहा था पूरे बात कर हमेशा मैं मिनिमम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो दो दे सकते हो तीन दे सकते हो, ये 1.3 कहाँ से चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें ही चार्ज की स्मॉलेस्ट है, जब भी कभी किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन के किसमें होगा इंटीजर पूरी बात के नंबर में होगा इलेक्ट्रॉन के होल नंबर में होगा, वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन अगर वन जा रहा है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे आएगा नहीं आएगा, और जिससे जा रहा है उसको प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री की प्लस वन बाई थ्री कहाँ से आ गया, ये बात समझ में आ रहा है 1.2 1.77 बाई 4 ये से चार्ज नहीं आ सकता, जैसे ही तुम्हें ये चार्ज निकाला था मैंने आपको समझ जाना चाहिए था उनको बात करें कि ये चार्ज जो निकाला वो एवरेज निकाला हाँ समझ पा रहे ये चार्ज गलत है, और मुझे एक इंडिविजुअल का चार्ज बताना पड़ेगा तो वो होल नंबर में आएगा, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने एक बड़े बात क्वेश्चन दिए मैंने आपको ऑप्शन भर भर के सिखाई
और मैं ये देखना चाह रहा था मुझे बात करके इनकी बातें कि अपन क्लास में सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे जो अपन ट्यूशन की क्लास में नहीं करते है ना। और फिर अगर तुम्हें दे दिया जाए तो मेरे को कॉमर्स में साथ क्या मेरे कॉमर्स में जैसी चीज़ क्या होती है पहली बार मार्केट में सुनते ठीक है। तुम मेरे बात कर यहाँ पे चार्ज क्या जाएगा बेटा बात करो जल्दी बोलो ये मुझे बात कर आप लगा दिया क्या नहीं ये चार्ज नहीं है चार्ज कौन सा है प्लस टू जीरो प्लस आपको ये भी बात करेगा लेफ्ट से राइट जाओ राइट से लेफ्ट जाओ अगर उसने दिया लेफ्ट से राइट जाओ तो आपको लगाना पड़ेगा प्लस टू जीरो प्लस टू ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो प्लस टू प्लस टू फिर जीरो फिर प्लस टू उसने बोला नहीं की बात कर पता है राइट से लेफ्ट आओ तो प्लस टू जीरो प्लस टू आपने क्वेश्चन अगर प्रीवियस के लगा तो और भी टेक्स्टिंग मेरी बात की कंपाउंड होता है और फिर बोलता है बात मुझे लेफ्ट से राइट और लेफ्ट साइड में किसके मूल देखना पड़ता है बेटा बात करें बैलेंस मतलब फंक्शन ग्रुप जहाँ से नंबरिंग करते हैं पहले कार में नंबरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी स्कूली सेकंड प्रायोरिटी स्कूली फंक्शन ग्रुप या मल्टीपल मोड या फिर सब्स्टिट्यूट तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। अच्छा तीसरा आता बेटा बात करें ये जो भी आता है वो कार्बन चार कोण बनाता है ऑक्सीजन टू कोण बनाता है हाइड्रोजन वन कोण बनाता है हैलोजन भी बात कर वन बनाता है लेकिन अपना ऑक्सीजन के अंदर लिमिट कर सकता है